हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कि एक बिजनेस के अंदर किस तरीके से एक फ्रेंडली एक वातावरण होना चाहिए, किस तरीके का पर्यावरण होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने इसके मीनिंग के बारे में, माइक्रो मैक्रो और मैसो एनवायरनमेंट के बारे में किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप पार्ट्स बने हुए उसके थ्रू आप उसे समझ सकते हो, अच्छे तरीके से देख सकते हो। काफ़ी ब्रीफली वे में उसको हमने क्लियर किया है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक शॉर्ट वे है, या इसको हम एक पहले सिंपल लैंग्वेजेस में समझ लेते हैं कि जो बिजनेस का उसका फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या है। एन एनवायरनमेंट गिविंग ए न्यू बिजनेस टू ओपन एंड हेल्पिंग देम टू सर्वाइव एंड ग्रो, कि एक बिजनेस का एक ऐसा पर्यावरण जो कि एक नई बिजनेस को ओपन होने में, उसको सर्वाइव करने में, उसको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक पॉइंट आता है जो कि बिजनेस को हेल्प करने में, ओपन करने में, सर्वाइव करने में जो हेल्प करता है, वो सारा आ जाता है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स आते हैं, मतलब कैसे इसके अंदर जो फैक्टर्स है या चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस के अंदर जितने भी ऑपरेशनिंग का काम किया जाता है, जैसे बिजनेस में ह्यूज डिमांड बनी रहती है किसी प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तरह तरह की सिक्योरिटीज़ रहता है ट्रांजेक्शन को लेके, बिजनेस का जो एंटरप्राइज है उसका जो ग्रोथ है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, जो बिज़नेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो किस तरीके से एक्सेस करता है, जो भी लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो इसका पूरा फ्रेमवर्क इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये सारा जो मिलकर काम करती है, या उसको बोल सकते, इसको जो एक नाम दिया जाता है वो आ जाता है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये इस तरीके का जो वातावरण है, पर्यावरण, वो हर बिजनेस के अंदर इंक्लूड रहता है जो कि बिजनेस को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं कि जो बिज़नेस का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हेल्प करता है, या क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है टैक्सेस एंड कंप्लेंसेस, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ईज़ ऑफ कंप्लाइंग विद लोकल टैक्स लॉज एंड अदर जुडिशियल कंपनीज आर फैक्टर टू एनकरेज बिजनेस डेवलपमेंट। आप देखोगे तरह तरह की जो चीज़ें हैं, लॉज है, कई बार क्या होता है जो जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं जो कि कंपनी को कई तरीके से हेल्प करता है डेवलपमेंट में उसके, या कह सकते हैं कि कई बार जो प्रॉब्लम आ जाता है जो कि हमारे लॉज के अंदर आ जाते हैं, ये कह सकते हैं कई बार इस तरीके से केसेस आ जाते हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं और कई बार हमारे लिए हेल्प करता है। हमारे उससे प्रॉब्लम फेस जब हम करते हैं तो हमारे लिए वो एक हेल्प करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इकोनॉमिक्स विद फेयर शेयर्स ऑफ टैक्सेस फॉर ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट एंड कंसिस्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर कैन बेटर फोरकास्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस रेवेन्यू। क्या होता है, जितने भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमारे फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी रेवेन्यूज हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, इन सभी को आने में दे मतलब कि लेन देन में हर तरीके से हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दस इन्हेंस द कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, कि ये क्या करता है, मार्केट के अंदर जितने भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके जो पार्टिसिपेशन है उसमें काफ़ी इन्हेंस करता है, काफ़ी बढ़ावा देता है, जो कि हमारा पॉइंट है टैक्सेज एंड कंप्लेंसेज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। जैसे देखोगे कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको ऑथोराइज़ करना पड़ता है, जो कि कई बार हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो कि हमारे बिजनेस को एक नाम देता है, एक सर्टिफिकेशन देता है, या कह सकते हैं बिजनेस को एक उसका एक अस्तित्व प्रदान करता है। जैसे इजी एंड एरर फ्री लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज़, कई बार क्या होता है जो एरर फ्री लाइसेंसिंग बनाते हैं बिजनेस में, इसके अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ आती है एट सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स फास्टर एंड एफिशिएंट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये क्या करता है, बिजनेस का जो फर्म है उसका जो जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसको काफ़ी एफिशिएंट में और काफ़ी फास्टर वे में उसको हेल्प करता है लीगली उसको ऑथराइज करने में। लाइसेंस रिक्वायरमेंट शुड बी ईजी टू कम्प्लाई विद एंड फ्रेंडली। तो ये सारे चीज़ क्या है, बिजनेस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे बिजनेस में हेल्प करता है, दैट इज़ वाई इसको हम बिजनेस का फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसी जेड हैव यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन। इसके अंदर काफ़ी स्पेशल इकोनॉमिक रेगुलेशन आते हैं दैट डिफर फ्रॉम अदर एरिया, जो कि अदर एरिया से काफ़ी अलग रहता है इन द सेम कंट्री की, सेम कंट्री के अंदर जितने भी इस तरीके के जोन आते हैं वो सारे काफ़ी यूनिक रोल प्ले करते हैं एक इकोनॉमिक को लेके, एक बिजनेस का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है उसको लेके। ऐसी जेड जो है वो फैसिलिटीज़ पे करती है जो कि इकोनॉमिक को ग्रोथ में और साथ में जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है।
अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्पार्क टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये क्या करता है, साथ में जो फॉरेन जितने भी इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टर है उन सभी को अट्रैक्ट करता है हमारे बिजनेस में हेल्प करने में, या कह सकते हैं हमारे जो बिजनेस उसको गुडविल इस तरीके से क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या कह सकते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है हमारे बिजनेस की ओर देखने के लिए, उसमें इंक्लूड होने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे बिजनेस का जो एक बोल सकते हैं कि एक अस्तित्व जो है, जिसमें प्रोवाइडिंग प्रोग्राम, जितने भी हम प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट करता है हमारे पब्लिक फैसिलिटी को, हो गया हमारे बिल्डिंग, ये मतलब कह सकते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी वर्किंग का काम है उन सभी में तरह तरीके के प्रोग्राम के थ्रू हमें फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कैपिटल को इम्प्रूव करने में, या हमारा जो बिजनेस है उसका जो एक कैपिटल को लेके जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उन सभी में काफ़ी इम्प्रूव करता है, काफ़ी हेल्प करता है। साथ में ये देखोगे आप एडिक्वेट क्लीन वाटर कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस वेस्ट वाटर एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैसेस, मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है, ये जितने भी वाटर है गैसेस है जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इन सभी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, साथ ही इनका जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, वेस्टेज को कम करते हुए काफ़ी रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके प्रोडक्ट को काफ़ी इफेक्टिव वे में कह सकते हैं प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है जो एक बिजनेस रिलेटेड जितने भी नियम कानून आ जाते हैं वो सारा रेगुलेशन के अंदर आ जाता है, जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ रेगुलेशन हमारा जो बिजनेस है वो खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही बनाता है, जो कि उसके ऑथराइजेशन के समय, उसके रजिस्ट्रेशन के समय रखा जाता है या कह सकते हैं बनाए जाते हैं। रेगुलेशन इन ए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट शुड बी कंसिस्टेंट एंड लाइबल, ये काफ़ी लाइबल होता है, कंसिस्ट करने वाला चीज़ होता है, जो कि हमारे रेगुलेशन कई बार क्या होता है जो चेंजेस आ जाते हैं वो हमारे क्रिएट करता है कन्फ्यूजन को, डिस्करेज करता है बिजनेसेस को, तो इसलिए जो रेगुलेशन है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि रेगुलेशन के अंदर जितने भी नियम कानून है वो सारे इंक्लूड किया जाता है, नीतियाँ इंक्लूड किए जाते हैं, तो बिजनेस को क्या करता है अगर इसको गलत तरह से अगर हम मान लो इसका फॉलो करते हैं या गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो बिजनेस में काफ़ी तरह के कन्फ्यूजन और डिस्क्योरेज क्रिएट करता है, तो इसलिए हमें जो रेगुलेशन है उसके अंडर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। रेगुलेशन शुड नॉट बी रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, जो रेगुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल स्किल्स है उसको इंक्लूड करता है या उसको इक्विपमेंट करता है। रेगुलेशन विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ दे हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज इफ इम्प्लीमेंटेशन दैट इंश्योर्स सेफ एंड इनसिक्योर एनवायरमेंट, जो रेगुलेशन है वो ऐसा नहीं कहता है कि उसके अंदर स्पेशल स्किल होना चाहिए, रेगुलेशन बस इतना कहता है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल वे में जाना चाहिए, काफ़ी जो एक एनवायरमेंट है वो काफ़ी सिक्योर एनवायरमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें तरह तरह के जोखिम भरे हुए पॉइंट है या इस तरीके की चीज़ें ना ही इंक्लूड। उसके बाद है पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कैन बी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड दैट क्रिएट एंड रिटेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट ए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट, और ये जो जितने भी रेगुलेशन के अंदर पॉलिसीज आता है जिसको हम प्रैक्टिवली अगर देखा जाए तो ये हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट करने में, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितने भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं इन सभी को फेस करने में, इन सभी से फ़ायदा लेने में, या कह सकते हैं इसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करने में काफ़ी जो रेगुलेशन है वो हेल्प करता है। इन एडिशन लेंथी कॉस्टली एंड अनप्रिडिक्टेबल लैंड यूज रेगुलेशन कैन ग्रेट डेटर फ्रॉम डेवलपमेंट, इसके साथ में क्या करता है जो भी लेंथी कॉस्टली चीज़ है जो कि हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है उन सभी को अवॉइड करने में या उन सभी को इग्नोर करने में जो रेगुलेशन है वह हेल्प करता है, इन सभी को चीज़ों को एक बोलते हैं कि बिजनेस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो इसलिए जो रेगुलेशन है उसको बिजनेस का एक फ्रेंडली पार्ट माना जाता है, क्योंकि वो बिजनेस को तरह तरह की प्रॉब्लम से बचाता है, इस वजह से इसको हम बिजनेस का एक फ्रेंडली पॉइंट मानते हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेप टू इनवाइट बिजनेस इनकॉर्पोरेशन मस्ट स्टार्ट, कहने का मतलब है जितने भी जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह के जो स्टेप लेते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड रहते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड रहता है जो कि बिजनेस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं या वर्कशॉप्स के अंदर जो भी इस तरीके से काम किए जाते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो जैसे कई बार देखोगे जो कई बार एक फर्म है बिजनेस है उसमें जो गवर्नमेंट है वो उनके ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं,
उनको तरह तरीके के सेशन प्रोवाइड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जो कि उनको एक चीज़ों को हैंडल करने के लिए या सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हेल्प करता है, प्रमोट करता है अच्छी चीज़ों को, साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जो एक स्किल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जो वर्कशॉप है ये बिजनेस के फ्रेंडली पार्ट माना जाता है। उसके बाद है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है भत्ता, मतलब कि देखोगे आप जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह के इंसेंटिव देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एक ट्रेनिंग के थ्रू हो, मतलब कि जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करती है हर तरीके से। खास करके जो छोटे इंडस्ट्री है या कंपनी है, बिजनेसेस है, उसको जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह के इंसेंटिव्स, तरह तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उसको हेल्प करती है, मतलब फाइनेंशियली उसको एक हेल्प देती है रुपए के अकॉर्ड, रुपए दे के, या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल बिजनेस को जो एक प्रॉब्लम आ जाता है कैपिटल को लेके, पैसे को लेके, उन सभी को प्रोवाइड करता है, उनको इंसेंटिव्स देता है जो कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। ये सारा इंक्रीज़ करता है हमारे सप्लाईज़ कर, जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज है उसको सप्लाई करने में हेल्प करता है, साथ ही इंक्रीज़ करता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड्स और सर्विसेज एंड लोअर द ओवरऑल प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज। इसके साथ ही जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसका जो एक ओवरऑल एक प्राइस है उन सभी को, और साथ में डिमांड जो है हेल्प करते हैं, चाहे हमारे डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे हमारे इंक्रीजमेंट को लेके हो, चाहे हमारे इम्प्रूवमेंट को लेके हो, हर तरीके से इंसेंटिव्स के थ्रू हमारे हेल्प प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ये जो इंसेंटिव्स होता है ये हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए उसको हम एक फ्रेंडली मानते हैं। जिस तरीके से जो हमारे फ्रेंड होते हैं वो हमें हर तरीके से हेल्प करते हैं, सेम ऐसे ही एक बिजनेस में इसको एक फ्रेंडली पॉइंट माना जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ गया है बिजनेस एथिक्स के बारे में, जो बिजनेस के अंदर क्या क्या नैतिक पॉइंट होने चाहिए, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ जो भी अभी तक हमने क्लियर किया। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो क्या है, और इसके अंदर इसकी जो करैक्टर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है, जैसे टैक्स एंड कंप्लाइंसेस है, ये हेल्प करता है बिजनेस के स्ट्रक्चर को एक अच्छे वे में जाने के लिए, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को काफ़ी कलेक्ट होने में या उसको एक अच्छे तरीके से जाने में, कलेक्ट करने में हेल्प करता है। रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, जो कि एक बिजनेस को एक ऑथराइज होने में हेल्प करता है, उसको लीगली वर्क करने में हेल्प करता है, उसका एक अस्तित्व प्रदान करता है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, हमें एक फ्रेंडली नेचर या बोल सकते हैं एक फ्रेंडली जो इसका बेनिफिट है वो हमें प्रोवाइड करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो कि SEZ जो होता है हमें हेल्प करता है, हमारे जो एक कंट्री है, एरिया है जिसमें हम अपने प्रोवाइड को, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर, अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, तो उस सभी में एक बोल सकते हैं हमारे गुडविल को, हमारे टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को, इन सभी में इम्प्रूवमेंट करने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजनेस के अंदर, जो जो कैपिटल है, रॉ मटेरियल है या वाटर है, गैसेस है, ये सभी कैसे हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें उसको कैसे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये सारा हमारा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे कैपिटल को इम्प्रूवमेंट करने में, या बोल सकते हैं कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है बिजनेस का उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। रेगुलेशन के अंदर बिजनेस के जितने भी लोग हो गया, जितने भी कानून हो गए, नीति हो गए, ये सारे इंक्लूड किया जाता है, जो कि बिजनेस को एक एथिक रूप में, ये कह सकते हैं कि बिजनेस को एक सही वे में, सही मार्ग में जाने में हेल्प करता है। ये जो पॉलिसीज़ है वो हमें जो प्रॉब्लम है उनको, उनसे फेस करने में या उनसे एक ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही हमें तरह तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम एंड वर्कशॉप, ये तरह तरह की जो ट्रेनिंग है जो कई बार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है या हमारे बिजनेसेस के अंदर ही दिया जाता है, तो इस तरह के का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट है या जितने भी एम्प्लॉय है उन सभी के जो स्किल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ ही जो प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट होता है उससे ओवरकम करने में हेल्प करता है। इंसेंटिव्स हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है, बोल सकते हैं हमें राशि प्रोवाइड करता है, रुपए देता है, जो कि हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। गवर्नमेंट इस तरह के इंसेंटिव्स किसी भी बिजनेस का डेवलपमेंट करने में या जो उसका एक आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने में हेल्प करने के लिए देता है या प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे जो कि हमारे बिजनेस के फ्रेंडली एक पॉइंट में आता है कि बिजनेस के लिए किस तरीके से ये अच्छे पॉइंट्स है या किस तरीके से हेल्प करते हैं एक बिजनेस को ग्रो करने में, डेवलप करने में।
तो आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे कि बिज़नेस का जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होता है, या इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, या रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क होता है, कौन सी चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्प करता है। तो आज की इस क्लास में हमने बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को कवर किया है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही अगर वीडियो से आपको हेल्प मिला हो, आपको चीज़ें समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।